देखो, सबसे पहले हमारी सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके नमन निवेदन है कि हमारी दो जो शब्द भक्त ने निकलवाने जा रहे हैं जुबान से, उन्हें अवश्य ध्यान रखें और उन पर गौर फरमाएं, क्योंकि ये सवाल हमारे नहीं हैं, ये सवाल ऊपर वाले के हैं। हमारा तो उन्होंने बहाना दिया है कि जाना धरती पर और काम तुम्हें करके आना है, वीरों के वीर कैसे होते हैं वही सब कुछ धरती पे दिखाना है। हमें कुछ मालूम नहीं कि हमें ऊपर वाले ने क्यों भेजा है, क्या इस बात को शॉर्टकट में करते हैं। अब जो ये वायरस वाले में बात चल रही है, ये समस्या बहुत बीमारी काफ़ी लोगों को पड़ रही है, काफ़ी परेशानी पड़ रही है, खाने पीने में भी बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है। और देखो, ये सरकार जो है भाई, आप लोगों को ऐसे किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं आने दे रही है। इस वक्त में जो देखा जा रहा है, आंखों देखा हाल, वो हमारे साथ भी, हमें भी सिलेंडर मिला है और पैसे भी हमारे पास में आए। हम झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ किसके लिए बोले, क्योंकि ऊपर वाले ने बनाया है। बेटे खटर पटर बंद करो, ऊपर वाले ने बनाया है कि जाओ धरती पर, जाओ धरती पर, काम ऐसे करके आओ कि दुनिया गलत ना बता सके, नाम ऐसे करके आओ। हम भी आप जैसे ही हैं, क्यों भैया, हम कोई अलग से तो बने नहीं, बिल्कुल बढ़िया, लेकिन भक्ति में शक्ति है। हमने यह स्वयं माना है और अपनी आंखों से देखा भी है, और दुनिया ने भी देखा, बहुत लोगों ने। जिस वक्त में वो शक्ति आई तो शीशे में दर्शन करा के गई थी। हमें कुछ मालूम नहीं, वो बफावत गांव का लड़का एक सपीक नाम का है, उसने ये चीज़ अपनी आंखों के सामने देखी है, पेशेंट गवाह है, कोई झूठी अफवाह नहीं है। हमारे यहाँ जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे वर्ल्ड की कहेंगे कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से रात और दिन तन मन धन से इंसानों की सेवा कर रही है। ऐसा कभी नहीं सुना था कि ऐसी सेवा करनी पड़ेगी, परंतु भगवान ने जो लिखा है उसे तो कोई नहीं मिटा सकता है। नीचे वाले कर तो रहे हैं, नीचे वालों को ही सजा मिलेगी, भगवान को सजा नहीं मिलेगी। भगवान कभी बंद नहीं हो सकते, कल थे, आज है और कल भी रहेंगे। हम तो मर जाएंगे, परंतु भगवान नहीं मरेंगे। भगवान अमर होते हैं, आत्मा शो परमात्मा, जो उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं उन्हें ही दर्शन हो पाते हैं। तो ये जो वायरस के बारे में बताया गया है कि सभी लोग 1 मीटर दूरी का ही व्यवस्था बना के रखें, यह गलत नहीं है संदेश। ये मंत्री जी का संदेश गलत नहीं है, सही कहा उन्होंने, क्योंकि 1 मीटर की दूरी में हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे जो अंदर प्रदूषण भरा हुआ है, जितनी गंदगी भरी हुई है, वो बाहर निकलने में परेशानी नहीं आएगी। यदि नू सांस लेंगे तो क्या होगा, दूसरे को भी परेशानी आ जाएगी। इसीलिए कपड़े की व्यवस्था इसलिए बताई गई है, यह संदेश गलत नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।